सुबह उठकर एक तस्बीह पढ़ने से उस घर से तंगी ख़त्म हो जाती है, मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। वो जिस काम में हाथ लगा देती है उस काम में कामयाबी मिल जाती है, मरते दम तक उसके घर में कभी तंगी नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आज की जो तस्बीह हम आप हजरात को बताने जा रहे हैं, ये तस्बीह औरत अकेले में बैठ कर अगर पढ़ ले तो फिर वो जिस चीज़ को हाथ लगाएगी उस चीज़ में उसको कामयाबी मिल जाएगी। जिस काम में वो हाथ लगाएगी उस काम में बरकत ही बरकत पैदा हो जाएगी, उसके घर में इतनी बरकत आएगी कि मरते दम तक कभी भी उसके घर में बेबरकती नहीं आएगी, मरते दम तक उसके घर से कभी भी बरकत ख़त्म नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, कभी किसी चीज़ की कमी पेश नहीं आएगी। जिस घर में बेबरकती की वजह से लोग परेशान रहते हैं उस घर में औरत अकेली बैठकर ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह तबारक व ताला हर मकसद में कामयाबी मिलेगी, हर हाजत पूरी होगी, बिगड़े काम बन जाएंगे, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमारा काम पहले अच्छा था अब बंद होता जा रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरी जेब में पैसे नहीं आते, और आते भी हैं तो पता ही नहीं चलता कि किधर से आते हैं और किधर चले जाते हैं, जेब हमेशा खाली पड़ी रहती है, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी जॉब चाहता हूँ, एक अच्छी नौकरी चाहता हूँ, लेकिन उनका कोई मकसद पूरा नहीं होता, उनका कोई काम पूरा नहीं होता, किसी मकसद में उनको कामयाबी नहीं मिलती। तो आप हजरात को आज मैं एक ऐसा पुरअसर वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। ये वजीफ़ा कोई भी पढ़ सकता है, ख़वातीन भी पढ़ सकती हैं और मर्द भी पढ़ सकते हैं, औरत अपने लिए भी पढ़ सकती है और किसी मर्द के लिए भी पढ़ सकती है, यानी कि अपने खाबिंद के लिए भी पढ़ सकती है, अपने भाई के लिए भी पढ़ सकती है, अपने वालिद वगैरह किसी भी मर्द के लिए, अपने भाई वगैरह के लिए भी पढ़ सकती है। जो भी इस तस्बीह को पढ़ेगा तो इस इस्में आज़म की बरकत से उसको हर काम में कामयाबी मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, आपके घर में बरकत ही बरकत आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन किराम, एक मरतबा एक बस्ती में बारिश होना बंद हो गई थी, जिसकी वजह से दरिया सूख गए थे, नदियां सूख गई थीं और उस शहर के उस बस्ती के बाग बगीचे सब खुश्क हो गए थे, खेतियां खुश्क होकर फसलें बर्बाद हो गई थीं, बच्चे मरने लगे थे, जानवर मरने लगे थे। तो बुज़ुर्गों ने ये फ़ैसला किया कि सारे के सारे लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाएं और जमा होने के बाद नमाज़े हाजत अदा करें और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें। चुनांचे ऐसे ही हुआ, बस्ती के सारे लोग एक मैदान में जमा हो गए और उन्होंने नमाज़े हाजत अदा की, और नमाज़े हाजत अदा करने के बाद वो लोग दुआ करने लगे, लेकिन किसी की भी दुआ बारगाहे परवरदिगार में कबूल नहीं हो रही थी। तो उस वक्त एक शख्स उधर से गुज़रा जो मुसाफिर था, ऊँट की रस्सी अपने हाथ में पकड़े हुए था और ऊँट की पुश्त पर उसकी वालिदा बैठी हुई थी। जब वो उधर से गुज़रा तो उसने पूछा कि माजरा क्या है, सारे के सारे लोग दुआ कर रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा कि हमारी बस्ती में बारिश नहीं हो रही है, जिस वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है और हम बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं। तो उस शख्स ने हाथ उठाए, उसके हाथों का उठना था कि आसमान पर काले काले बादल छा गए और कुछ ही लम्हों में तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। ये देखकर लोग हैरान हो गए और उससे पूछने लगे कि हम तो कब से दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। तो वो शख्स कहता है कि वो देखो, ऊँट की पुश्त पर मेरी वालिदा बैठी हुई हैं और मैंने अपनी वालिदा से जाकर भी दुआ कराई है, मेरी वालिदा के पर्दे का ये आलम है कि कभी भी उनको किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, उनकी परहेज़गारी का ये आलम है कि कभी भी उनकी नमाज कज़ा नहीं होती, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी दुआ फौरन कबूल फरमा ली है। तो प्यारे दोस्तों, इससे पता चलता है कि जो ख़वातीन
परहेजगार होती हैं, बापरदा होती हैं, तो उनकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला कभी भी रद्द नहीं करता। तो जो ख़वातीन परहेजगार हैं, वो ख़वातीन ये वजीफ़ा पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह तबारक व ताला जब भी वो दुआ करेंगी तो उनकी दुआ कभी भी टाली नहीं जाएगी, बारगाह परवरदिगार में उनकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। तो नाज़रीन किराम, हम आप हज़रात को बताते हैं कि वो कौन सा अमल है जिसको पढ़कर आपको दुआ करना है। नाज़रीन किराम, ये अमल आप किसी भी दिन कर सकते हैं और आपको ये वजीफ़ा एक ही दिन करना है। अगर आप एक से ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी कि 3 दिन तक करना चाहते हैं, या 5 दिन तक या 7 दिन तक करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं। तरीका यह है कि आपको बावजू होकर अकेले में बैठ जाना है, और अकेले में बैठने के बाद सबसे पहले 7 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ लेनी है। इसके अलावा कोई और दरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, कोई भी हर्ज नहीं है। 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व ताला के ये 3 इस्म आज़म पढ़ना है, और इस तरह से पढ़ना है: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु, या नूरू, या बारीउ। प्यारे दोस्तों, ये 3 इस्म आज़म हैं, आपको 3 इस्म आज़म पढ़ना है और 1 शुमार करना है। इस तरह से पढ़ें: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु, या नूरू, या बारीउ। ये 1 मरतबा हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु, या नूरू, या बारीउ। ये 2 मरतबा हो गया। इसी तरह से आपको पूरी 1 तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ लेना है, और 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपको आखिर में फिर वही दरूद पाक 7 मरतबा पढ़ना है जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। पढ़ने के बाद आपको हाथ उठाना है और बारगाह परवरदिगार में दुआ करना है। जब आप हजरात इसको पढ़कर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला उस घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, उस घर से तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, नज़रें बद और मुश्किलें, जादू के असरात सब ख़त्म हो जाएंगे, और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला उसको हर नेमत से नवाजेगा, उसको हर वो चीज़ अता फरमाएगा जो वो शख्स मांगेगा, जो उसकी ज़रूरत होगी। बिगड़े काम बन जाएंगे, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, ये बहुत ही पुरअसर, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप हजरात ख़ुद भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सवाब के मुस्तहिक बनें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।